हे गाइस, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं अरेवा जीनियस। हमारे चैनल पे आपको हम जनरल साइंस की हम जो सीरीज चला रहे हैं उसका ये थर्ड लेक्चर है, चैप्टर साउंड से। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन को शांत मन से कर रहे हैं। इसके बाद मैं जो चैप्टर आपके सामने लेके आऊँगा वर्क पावर एनर्जी वाला लेके आऊँगा, हम उस चैप्टर को भी यूँ ही पढ़ेंगे बेसिक से। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम की डेट्स को आगे कर दिया गया है, शिफ्ट हो गया है, सो वी हैव इनफ टाइम फॉर आवर प्रिपरेशन आल्सो, फॉर आवर रिविजन आल्सो, एज वेल एज टेस्ट सीरीज आल्सो। टेस्ट सीरीज़ क्यों? बिल्कुल हाँ, हम टेस्ट सीरीज़ अपनी प्रिपरेशन के साथ ही सोल्व करेंगे, उसको एग्ज़ाम के बाद तो सोल्व करेंगे नहीं। सो एक बार हम टेस्ट सीरीज़ को देख लेते हैं। सो दोस्तों, आप अपनी DFCCL की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं मॉक टेस्ट को देके। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेस्ट बुक की ऐप पे। टेस्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है यूँ तो 299 रुपीज़ का है, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं AG10 तो आपको 30 रुपये का ऑफ मिलेगा, जो कि 269 का होगा। इसमें आप 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए भी मॉक दे सकते हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन का लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखें टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों, जो बचा हुआ पार्ट है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने इसको जानबूझ के पिछली वीडियो में ऐड नहीं किया कि यार बर्डन ना हो जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सबसे बात करते हैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है साउंड वेव, ऑडिबल वेव्स। ये साउंड वेव उनको कहा गया है जो एक ह्यूमन जो है कान जो है उसको सुन सकता हो, ठीक है, उसको कहा गया है। दीज वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी विच लाइज बिटवीन 20 Hz to 20 kHz। उनको 20 Hz से 20 kHz के बीच में उनको रखा गया है। ह्यूमन ईयर जो है इन्हीं से सेंसिटिव है, इन्हीं को सुनता है, इनको ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलते हैं? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई गाना हो गया, और कोई लाउड स्पीकर हो गया, कोई वोकल हो गया, ये यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेल और फीमेल की वॉइसेस क्या होती है। फीमेल की वॉइस जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है रेदर देन मेल, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेल की हार्ड होती नहीं, वॉइस का जो फ्रीक्वेंसी होता है फीमेल का ज़्यादा होता है। ये हमको कम्युनिकेशन की क्लासेस के टाइम पर हमको हमारे टीचर ने बताया था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एमिटेड बाई ग्रोन अप मेल वेरीज फ्रॉम 100 Hz to 250 Hz, वेयर चिल्ड्रन की होती है जो है 200 Hz to 450 Hz। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव गिवन बाय हनी बी इज, हनी बी जो होती है मधुमक्खी जो होती है वो 440 Hz होती है, मॉस्किटोज जो होते हैं 500 to 600 होती हैं, और जो नॉर्मल जो हाउस फ्लाई होती है वो 350 Hz की होती है। सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है इंफ्रासोनिक वेव, यानी इंफ्रासाउंड। मैंने आपको एक विंडो बताया है 20 Hz to 20 kHz। जो 20 Hz से जो पहले जो लाइट कर रही है उनको बोलते हैं इंफ्रारोनिक, और जो 20 kHz के बाद में जो लाइट कर रही है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रासोनिक की जो हम बताते हैं ये वो फ्रीक्वेंसीज है जो 20 Hz से नीचे हैं। अर्थक्वेक होने से पहले कुछ फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं जो हमको नहीं पता चलती हैं, उनको भी हम वो कहा जाता है लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड है, वो इंफ्रासाउंड के अंदर आती हैं। जो राइनासोर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं 5 Hz पे, एलिफेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक उसके एग्जांपल है। मेन इवेंट आता है आपका अल्ट्रासोनिक, 20 kHz के बाद में जो साउंड वेव होती है उनको अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। ह्यूमन ईयर तो मैंने बता दिया 20 kHz के बाद में शट डाउन हो जाते हैं उसकी, तो उसके बाद तो डिटेक्ट कर नहीं पाता, तो उसको कौन डिटेक्ट करता? डॉग्स डिटेक्ट करते हैं। डॉग्स की फ्रीक्वेंसी होती है कैन हीयर अप टू 38 kHz, ठीक है दोस्तों। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बैट जो होते हैं 30 to 50 के बीच में होते हैं। डॉल्फिन्स कैन एमिट अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 kHz। तो देखा, तो इतना थोड़ा सा हमको याद रखना है, हमको हनी बी की फ्रीक्वेंसी को याद रखना है। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेगा ना वो एनिमल से रहेगा कि हनी बी इनमें से सबसे ज़्यादा साउंड वेव कौन डिटेक्ट कर सकता है। ऑप्शन रहेगा हनी बी, हाउस फ्लाई, एनिफेंट और रहेगा डॉल्फिन। तो आपको डॉल्फिन पे क्लिक करना है, कम पूछे तो एलिफेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम होता है, बस इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मैं इनको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस हल्का सा आपसे बता दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स क्या, अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं? इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होता है। और कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जो कि सोनार, सोनार का डेफिनेशन पूछा जाता है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, जो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है
उसमें इलेक्ट्रोसोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, वो लिक्विड में ब्लास्ट कर जाती हैं जिससे वो डर्ट को अपने साथ ले आती हैं। ज़्यादा हमको नहीं इसमें करना है, प्लास्टिक वेल्डिंग में यूज़ होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट है डिटेक्टिंग फ्लॉज एंड क्रैक इन मेटल। जो ब्रिजेस होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें हम फ्लो देखने के लिए जो रेल होते हैं, रेलवे की जो रेल्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, उनका जो फ्लोज चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। वो वेव्स मारते हैं, नीचे डिटेक्टर होता है, अगर वो उस डिटेक्टर तक पहुँच जाती है तो इट्स मीन्स पाथ इज़ क्लियर। अगर वो नहीं पहुँचती है तो इसका मतलब कोई ऑब्स्टेकल है, कोई क्रैक है। सो यहाँ पे इन सब के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉलेस पॉइंट चेक करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। मेटेलिक ब्लॉक ओनली में, मेडिकल में तो इसका यूज़ है ही, सर्जिकल में इसका यूज़ है, थेरेपेटिकल यूज़ है इसका, थेरेपी के लिए यूज़ होता है, इकोकार्डियोग्राफी में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक ग्राफिक हम तो करवाते ही हैं, हम बेबीज़ का जो पता करते हैं उसका पूरा वूम का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है हमारे सामने, ठीक है। और ब्लडलेस ब्रेन सर्जरी के लिए यूज़ होता है, पेनलेस एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ के लिए यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड्स का, ठीक है दोस्तों। और स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, ब्रेन, लीवर, किडनी, इन सब का रिफ्लेक्शन होता है कैंडली में। इट्स लाइक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सोनार का, सोनार नेविगेशन एंड रेजिंग। जो समुंदर होता है, समुंदर का जो जहाज़ होता है, वो समुंदर सेल से कितना गहरा है, उसकी ऊंचाई के लिए, एक शिप दूसरी शिप से कितनी दूर है वो देखने के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो अल्ट्रासोनिक वेव को सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, वो टाइम चेक करता है कितने टाइम ड्यूरेशन में वो लौट के आई हैं। और स्पीड तो आपको खैर पता ही है, साउंड की स्पीड क्या रहती है, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, तो उससे जो है हमारे पास डिस्टेंस निकल जाती है। सेम हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से, ठीक है। एक हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो इसके लिए जो मीटर यूज़ होता है, डिटरमाइन डेप्थ ऑफ द सी, इसको लिए हम इको डेप्थ रेंजिंग कहते हैं। इसके लिए हम फैथोमीटर यूज़ करते हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैथोमीटर यूज़ किया जाता है आप सबसे, ठीक है दोस्तों। एक दूसरी जहाज़ के लिए, शिप्स के लिए, शिप टू शिप कम्युनिकेशन के लिए। और ऐसा नहीं कि आपने शिप टू शिप कम्युनिकेशन की आप कान से सुन सकते हैं, यू नीड इंस्ट्रूमेंट फॉर देम, सो ये भी गुड है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। डॉक्टरी नहीं करेंगे हम इसके बारे में, हम इसके बारे में जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। हमारे ह्यूमन ईयर है, उसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा गया है। ह्यूमन ईयर इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड द फेंटेड साउंड डिटेक्टेड बाई इट हैज़ प्रेशर ऑफ 2×10⁻⁹ N, ठीक है। जो सबसे जो धीमी से धीमी आवाज़ है उसका जो प्रेशर है, हम उसको दिया गया है यहाँ पे 2×10⁻⁵, ठीक है। आउटर ईयर, ये मेरा बाहर का हिस्सा, इनर ईयर और मिडल ईयर और इनर ईयर। हम कौन का फंक्शन याद रखना है, फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस हिस्से को हम कान को छू सकते हैं, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आउटर ईयर का पार्ट है। इसका काम क्या है, इसका काम है पूरी साउंड एनर्जी को गैदर करना, ठीक है। इसके बाद में जो होता है मिडल ईयर का काम, आउटर ईयर का होती है पिन्ना, ये कलेक्ट करती है साउंड वेव्स को, ठीक है, और फिर भेजती है आपकी कैनाल की तरह, ईयर कैनाल के थ्रू आपको भेजती है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 to 00 hertz के बीच में, वाइब्रेटिंग वगैरह। द ईयर कैनाल इज़ लाइक ए क्लोज पाइप वाइब्रेटिंग विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 to 00 hertz। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका फंक्शंस, जो ईयर के जो तीनों पार्ट हैं उनके फंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर जो होती है कंसिस्ट ऑफ 3 bones, इनको बोलते हैं ओसीसिल्स, बोलते हैं हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप, ठीक है। नेम्स दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द बोन रिमार्कली, विच ट्रांसमिट द वाइब्रेशन फ्रॉम वाइब्रेटिंग डर्म टू ओवल विंडो कनेक्टेड टू द ईयर। इसका काम जो होता है, जो भी हमारी ईयर ड्रम से जो वॉइस आई है उसको हम इनर ईयर तक पहुँचाएँ, और ये एम्पलीफाई भी करती है हमारी वॉइस को, ठीक है, इस साउंड को। इनर जो ईयर होता है कंसिस्ट ऑफ कोशिला, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड 3 semicircular canals। जो कोशिला जो होती है वो स्नेल शेप में होती है, आपको बस इतना याद रखना है, वो स्नेल शेप में होती है। और जो प्रेशर वाइब्रेशन होता है उसको 60 टाइम्स इन्हेंस किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। और ये इनर पार्ट वो पार्ट है जहाँ पर आपकी जो साउंड एनर्जी है वो कन्वर्जन होता है साउंड एनर्जी का पल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में, फिर आपके वो ब्रेन तक पहुँचती है, ठीक है दोस्तों। एक बार हम इसके बस फंक्शंस देख लेते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ईयर, ठीक है दोस्तों। 8th पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और इसके साथ में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको साउंड वेव क्लियर हो गई हो। पढ़ते हैं हमारा लास्ट पॉइंट साउंड का। द ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts, आउटर, मिडल, इनर। आउटर ईयर विच कलेक्ट द साउंड वेव एंड ट्रांसमिट दीज टू ईयर ड्रम्स। मिडल ईयर विच एम्पलीफाइज दीज साउंड वेव्स अबाउट 60 times। इनर ईयर इज कम्प्लीट विच कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एंड कन्वेज द ब्रेन एज नर्व इम्पल्स फॉर इंटरप्रिटेशन।
ओके वो बताता है। आपको पता होगा जो हमारी सबसे छोटी बोन होती है वो कौन सी होती है, स्टेप्स होती है, करेक्ट। वो कहाँ पे होती है, ईयर में ही होती है। उन छोटी बोन्स को क्या कहा जाता है, बोन्स मैंने बोला है, बोन नहीं, ओसिजल्स। ओसिजल्स आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।